ये रिपोर्ट है चंदन कुमार पांडे और 10/3/2023 का रिपोर्ट है, जहां पे आप सीटी स्कैन के रिपोर्ट को जब आप देखेंगे, सो माइल्ड थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ टर्मिनल इलियल लूप एंड फ्यू एनलार्ज मिसेंट्रिक लिम्फ नोड इन रिफ राइट इलियाक फोसा। सो इस केस में जब आप देखेंगे तो एनलार्ज मिसेंट्रिक लिम्फ नोड शो कर रहा है, और इसी समय इनका ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जिस किसी केस में एनलार्ज मिसेंट्रिक लिम्फ नोड शो होता है, मोस्ट ऑफ केसेस वो डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस और एब्डोमेन पेन के साथ एसोसिएट करते हैं। ट्रीटमेंट शुरू होने से इनका जो कंडीशन है उसमें ग्रेजुअली विद द टाइम इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, और जनरली हम लोग 4-4 महीने पे रिपोर्ट्स करवाते हैं। मैंने यहाँ पे लास्ट रिपोर्ट को रखा है और 1 साल के बाद इनका सोनोग्राफी कराया गया। जब आप रिपोर्ट्स देखेंगे दोबारा से सोनोग्राफी का, ये रिपोर्ट है मई 2024 का, और ये अल्ट्रासोनोग्राफी का रिपोर्ट है जहाँ पे रिपोर्ट कम्प्लीटली नॉर्मल शो कर रहा है। जब इम्प्रेशन देखेंगे तो नॉर्मल स्टडी, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, किडनीज, इंटेस्टिन, एवरीथिंग इज नॉर्मल, और पूरा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया है। फिजिकली भी इनको कोई तकलीफ नहीं है। सो जिस किसी केस में बच्चों को या बड़ों को यदि एनलार्ज मिसेंट्रिक लिम्फ नोड शो कर रहा है और उस केस के अंदर कंटिन्यूअस डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस या एब्डोमेन पेन है, उस केस को ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर की मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। यदि आप अहमदाबाद में हैं तो सेंटर पे आके दिखा सकते हैं, आप अहमदाबाद के बाहर भी हैं तो ऑनलाइन आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट करके अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के केसेस में बेस्ट रिजल्ट मिलता है। मैंने अभी तक जो भी पेशेंट देखा है, लगभग सभी पेशेंट जो एनलार्ज मिसेंट्रिक लिम्फ नोड की वजह से परेशान होते हैं, वो लगभग सभी ठीक हो जाते हैं। थैंक यू।